थैंक यू रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। और शोलापुर सोसाइटी को और शोलापुर पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट को मैं बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता भाव से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब आप सेशन के पहले कितना देर ध्यान किए थे, लाइक हाउ मच टाइम? सर अपने को 10:30 बजे तक है सर, आप सेशन लेके मेडिटेशन क्लास लेके आप मेडिटेशन भी ले सकते हैं सर, डिपेंड्स ऑन यू सर। ओके, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कितना देर मेडिटेशन किया है आप अभी? ओके, 30 मिनट सर, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आप मेरे को थोड़ा बता सकते हैं कैसा लगा आपको मेडिटेशन? बस वेरी फ्यू पीपल है, बहुत कम लोग है। नहीं आज कम आए थे सर एक्चुअली, पता नहीं। कोई बात नहीं, सो दैट वी कैन हैव मोर इंटरेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग सेशन। कैसा था आपका मेडिटेशन? ओके ओके सर, संतोष सर, वर्षा मैडम आप बता सकते हैं, विजय कुमार सर, सुहास सर, प्रमोद सर, कैसा था, कैसा अनुभव आया है, कैसा लगा आज का मेडिटेशन? इट इज क्वाइट रिलैक्सिंग सर, इट वाज क्वाइट रिलैक्सिंग फॉर मी। Okay. I felt like sleeping, you know. मेरा आवाज भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा नींद में चली गई थी। It's quite relaxing. Because the whole day we work and after doing meditation, we feel totally at peace. Okay. आप क्या करते हैं, मतलब समझो आप? I'm working. मेरा क्वेश्चन ये है, आपको नींद आ रहा है तो आप क्या करते हैं ध्यान में? आप सोने के लिए तैयार हो जाते हैं या नहीं? नहीं, कौन सा करते हैं? विद अवेयरनेस आई ट्राई टू कीप मी अवेक। तो इज इट ओके, कैन आई एक्सप्लेन यू समथिंग? यस यस। तो बेसिकली हमको 3 लेवल का कॉन्शियसनेस होता है, चैतन्य स्थिति। यस, 3 लेवल का। एक तो जागृत स्थिति है, ठीक है, और एक स्वप्न स्थिति है, और एक सुषुप्ति है। एक्चुअली दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। थोड़ा इंग्लिश बताऊंगा मैं, थोड़ा हिंदी, मतलब ये उपनिषद में बताया है, एक उपनिषद है शायद मांडुक उपनिषद, आई थिंक सो, इसमें ये 3 स्टेजेस के ऊपर बताया है। कैन समवन म्यूट वेयर देयर इज डिस्टरबेंस? ओके, थैंक यू सर। So, ये क्या होता है, हमको जब ध्यान करता है, एक्चुअली हम पहला ध्यान के पहले एक जागृत स्थिति में होता है। व्हेन यू सेड यू नो आई एम ट्राइंग टू बी अवेक, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज लाइक यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू वो जागृत स्थिति। बट मेडिटेशन इज ट्रैवलिंग बैकवर्ड्स, जागृत से स्वप्न स्थिति, एक्चुअली स्वप्न से सुषुप्ति भी आता है, और सुषुप्ति के बाद हमको एक स्टेट आता है, उसको तुरिया बोलते हैं। दिस तुरिया मींस द 4th स्टेट। ये 4th स्टेट में हमको जागरण रहने के लिए या अवेक रहने के लिए कोशिश नहीं करने का कोशिश करने का जरूरत नहीं होता है, हमारा कुछ भी नहीं होता है, बट स्टिल वी विल बी अवेक, वी विल बी नोटिसिंग व्हाट इज हैपनिंग। बट एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम आगे जाने के लिए, ये अननोन में जाने के लिए हम डरते हैं, हम सोचते हैं हम जागृत रहना है, जागृत रहना है बोल के, वी आर कमिंग बैक टू द स्टेट ऑफ माइंड, वी आर कमिंग बैक टू द स्टेट ऑफ द वेयर वी डिड नॉट गेट इन टू मेडिटेशन। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर, यस सर, यस सर। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आज का सेशन भी समर्पण है, बट एक्चुअली व्हाट वी शुड डू इज व्हेन नींद आ रहा है मेडिटेशन में, हम नींद को अलाउ करना है। Okay, when this kind, when this relaxation is happening within us, we should not strive for again, okay, I should put water on my face and you know, my aisa baithne ka, aisa nahi. You have to slip into it. Automatically, you will allow yourself to slip into that state. Wo tab, wo trance mein chala jata hai, or you can open up into other dimensions also. Yes, yes. And also you can open up into that final state of Turiya, where you are aware and awake, yet you are not awake.
सो ये होता है. सो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज का सब्जेक्ट हम समर्पण के बारे में बात कर रहा है. सो मेडिटेशन में जो भी हो रहा है हमारा मन हमारा अंडरस्टैंडिंग को लेके नहीं आना है. सो वी जस्ट नीड टू अलाउ स्लिप इन टू इट बिकॉज देर इज अ साइंस. ये जो हम व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली क्या बोलता है सुषुप्ति स्टेट में हमको पहला बार ईगोलेसनेस का अनुभव हमको सुषुप्ति में होता है. जागरण में और स्वप्न स्थिति. स्वप्न स्थिति मतलब हमारा एस्ट्रल स्टेट या हमारा मेंटल स्टेट माइंड स्टेट. उस स्टेट में हमको स्टिल ईगो होता है. हम बोलते हैं ना एकत्व एकत्व वननेस वननेस बोलता है ना. एक्चुअली वननेस का एक्सपीरियंस हमको पहला बार सुषुप्ति में आता है. सो व्हेन यू गेट इनटू दिस डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन और डीप स्लीप आपको आप भी नहीं होता है खुद भी नहीं होता है राइट. यू आर फॉरगेटिंग यूर सेल्फ कंप्लीटली एंड यू आर वन विथ समथिंग विच इज बियॉन्ड यू. सो दिस सुषुप्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली हम बहुत सारा मैं भी बहुत गलती किया था पहला. कुछ लोग बोले थे प्रोजेक्ट गुड़ाकेशा. यू नो गुड़ाकेशा मतलब जो नींद को नींद के ऊपर विजय पाया है. तो मैंने ऐसा करके मेरा नींद के ऊपर विजय पाने के लिए बहुत कोशिश किया है. बट मेरे को ये समझ में आया कि पहला बार हमको जो वननेस का एकत्व का एक्सपीरियंस आता है ये सुषुप्ति में आता है. जब उपनिषद पढ़ा है तब मेरा को ज्ञानोदय हुआ है. देन आई स्टार्टेड टू सरेंडर इन टू माई ओन सेल्फ. थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर शेयरिंग एंड होप इट हैड हेल्प्ड यू. यस डेफिनेटली यस. या थैंक यू. और सर और एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस का हम समझ लेंगे और सो दैट वी कैन गेट इनटू द सब्जेक्ट रियली. और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है संतोष सर. यस सर यू नीड टू अनम्यूट. Sir, can I ask one question? Yes, sir. Please. Ravandi. Yes, sir. अभी जो बहुत बता रहे थे ना गुड़ाकेशा. वहाँ पे नींद को ये ओवरलुक करने का क्या? Actually, गुड़ाकेशा एक अर्जुन का एक एक टाइटल है. मतलब वो नींद को नींद के ऊपर विजय पाया है ऐसा. अभी वो जो अनिरुद्ध अनिरुद्ध चला रहे अनिरुद्ध का भाई है ना वो क्या नाम है प्रबोध. प्रमोद नाउ इज टेकिंग लाइक दिस क्लासेस. उन्होंने कहते हैं नींद को अपन ये सक्सीड कर सकते तो पर आप तो बता रहे वी हैव टू सरेंडर फॉर इट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ इट. या एक्चुअली हम लास्ट क्लास में वही हम ज्यादा डिस्कस किया था. एक्चुअली हम क्या करता है विजय पा रहा है मतलब हम क्या कर रहा है वी आर फीडिंग अवर ओन ईगो. हम देख रहा है कि मैं विजय पाया है. एक्चुअली लास्ट क्लास का शायद कोई अटेंड किया क्या लास्ट क्लास इधर से इधर. नो जस्ट नाउ वी टू डेज बैक वी हियर्ड अबाउट इट. वी आर ट्राइंग फॉर इट ट्राइंग टू जॉइन इन. ओके संतोष जी आप शायद अटेंड किया था ना संतोष जी या कोई. हां अटेंड किया था सर. सो लास्ट क्लास में हम इसके बारे में बहुत चर्चा किए थे. एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ध्यान में हम एक युद्ध के तरह से जा रहा है. ध्यान के अंदर हम मन के ऊपर विजय पाने के लिए या शरीर के ऊपर विजय पाने के लिए शरीर को कंट्रोल करने के लिए सो इसी दृक्पथ से जा रहा है इसी पर्सपेक्टिव से जा रहा है हम ध्यान के अंदर. बट एक्चुअली हम लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया है मेरा लाइफ का एक्सपीरियंसेस भी ये हुआ है कि बट समर्पण दृक्पथ से समर्पण दृष्टि से सरेंडर से हम जब ध्यान को जाता है हम इजीली आगे जा सकता है. सो बेसिकली आप वी कैन डिस्कस ऑन दिस सर वी कैन डिबेट ऑन दिस बट बेसिकली क्या है कि हम जब सरेंडर करते हैं आगे जाने के लिए आस्कार इजी हो जाएगा. समझो मेरे को नींद आ रहा है बट मैं क्या करता हूं मैं कोशिश करके फाइटिंग करके मेरा शरीर लाइक यू नो आई विल ट्राई टू डू समथिंग विच इज अगेंस्ट माय ओन नेचर.
जब एनर्जी ड्रेन हो जाता है हमको मेडिटेशन में, जब एक्चुअली क्या होता है, व्हेन वी एंटर इनटू डीप रिलैक्सेशन, शरीर को जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली शरीर लेता है. शरीर को रेस्ट चाहिए. एक्चुअली व्हेन यू गिव दैट रेस्ट, शरीर को जो रेस्ट चाहिए वो रेस्ट जब देता है, आपको आपका अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ता है. जब हम सपोज आप टायर होके ऐसा सेशन में बैठे हैं, जैसे बुढ़ा केशा या डीटीटीपी या इमरजेंसी जैसे बैठे ना, इमीडिएटली आपका बॉडी रिक्वायर्ड स्लीप. सो देन जाके वहां पे अवेयरनेस, अभी वो मैडम क्या बोलती है, अवेयरनेस में रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट रहना. Don't go into the trance. Yes, don't go into the sleep. Don't go into the this thing. Yes. So yes. Body requires sleep that time. Yes. So suppose you, क्या उनका concept सुनकर आपको ये नींद में नहीं जाना बोलके अपन चेतन रहना, नींद नहीं आना बोलते. Actually, हम ये. We have to fight against it. Yeah. Actually, that's what is happening. So there are two things. हम जब class में रह रहा है या group में रह रहा है. और हम वी आर ट्राइंग इन टू स्लिप इन टू अननोन. हमारा जर्नी है अंदर जाने का. और जब अंदर जा रहा है, हमको हमारा शरीर के समझो कभी कभी कुछ तकलीफ आता है शरीर में. सो रेस्पेक्ट करने का शरीर को. बट हम ये सोसाइटी, ये सोशल, ये है, ये जो जूम सेशन कर रहा है, हम एक सोशल लाइफ है. बट हम ध्यान कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक है, खुद के ऊपर है. तो हम हमेशा हमारा शरीर को सुनना इंपॉर्टेंट है. तो ये एक्चुअली ये अलर्टनेस के बारे में भी मैं बहुत ये किया है, मतलब मैं भी बहुत साल ऐसा प्रैक्टिस किया है नींद को विजय पाने के लिए. मैं बहुत कोशिश किया है. एक्चुअली क्या हुआ कि ऐसा होके होके मैं थोड़ा पागल भी हो गया था. बहुत जनों को पता नहीं, भाई डिप्रेशन में चला गया था. मेरे को इंसोम्निया हुआ था. इंसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस. क्योंकि मैं ऐसा ही प्रैक्टिस किया है, ऐसा ही साधन किया कि मैं अलर्ट रहना है, मैं हमेशा अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है बोल के, जागरण में रहना है बोल के मैं बहुत ये किया है. बट स्लोली स्लोली जब ऐसा हुआ है मेरा सिस्टम में, मेरा सिस्टम क्रैश हुआ है. समझो ऐसा पूरा मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ सुबह से शाम तक 24 आवर्स 7 डेज ए वीक, क्रैश हो जाता है ना सिस्टम. एक्चुअली हमको ये सुषुप्ति में जाना है. सुषुप्ति में जाकर ही हम नेक्स्ट स्टेज में जा सकता है, तुरिया स्टेज में. एक्चुअली हम ध्यान में जो बोल रहे हैं ना, वो लोग अवेकनिंग जागरण, एक्चुअली वो तुरिया स्टेट के लिए बता रहे हैं. एक्चुअली ऋषि जो है, ऋषि मुनि जो है, मैं अवेकन हो गया, मैं जागरण हो गया, कि वो पहला स्थिति जागरूक स्थिति. अभी हम बात कर रहे हैं, हम जागरूक स्थिति में है. समझ रहे हैं ना सर? तो ये जागरूक स्थिति से आगे जाके तुरिया स्थिति में जब हम अवेकन होता है, मतलब शून्य स्थिति, महाशून्य स्थिति. हाँ, उधर जाके हम अवेकन होना है. उधर वो एक्सपीरियंस को हम अवेकन होना है. ये सोशल, मेरा कान का और मेरा आंख का, मेरा मुंह का अवेकनिंग वो इम्पोर्टेंट नहीं है. जो हम आंख बंद करके, ये भी कान बंद करके, मतलब कान बंद करना मतलब जो भी आवाज सुनना है वो भी बंद करके, उधर हम बंद करके अंदर जाके हम अवेकन होना है. उधर जागरण होना है. जब अभी शायद अभी जेटीटीपी सेशन है या इमरजेंसी सेशन है, इट गोस अराउंड 2 to 3 आवर्स. बिफोर दैट यू नीड फुल्ली रिलैक्स फॉर योर बॉडी. यस, देन ओनली यू विल सक्सीड. नहीं तो क्या होता है, आप बैठते हैं फर्स्ट सेशन, फर्स्ट विद इन 5-10 मिनट्स में यू विल गो इनटू द डीप एंड डीप स्लीप स्टेटस. ये उस समय पे मैं अवेयरनेस में रहना, अवेयरनेस रहना, तो इट इज नॉट पॉसिबल. या एक्चुअली हम वही अवेयरनेस को अच्छा समझना है. टुडे दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एक्चुअली ये अवेयरनेस बहुत सुनते हैं हम, बहुत टाइम हम सुनते हैं अवेयरनेस अवेयरनेस. बट अवेयरनेस मतलब आंखें कल खुल के या
को शार्प रख के अलर्ट रख के वो अवेयरनेस है, या जो भी हो रहा है हमारे साथ उसके उसके ऊपर ध्यान देना और उसको उसको पहचानना, वो अवेयरनेस है जो हमारा आत्मस्थिति है। चलिए सर, आपका समर्पण का क्लास। यस सर, सर ये डिबेट मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये बहुत मतलब ये उपनिषद जब पढ़ा था मेरे को ये ख्याल आया था, ये ज्ञान आया था, एंड देन आई कुड रियली रिलैक्स इनटू माय सेल्फ। अदरवाइज मैं खुद पे रिलैक्स नहीं हो रहा है, मैं झगड़ रहा हूँ, मैं फाइटिंग कर रहा हूँ खुद से, तब मेरे को आगे जाने का रास्ता क्लियर हुआ है ध्यान में। Sir, anyone else want to share their experience? Santosh Puraj ji, anything? Namaskar sir, Chandrasekhar Reddy ji, namaskar. Namaskar, बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं आप। बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं आप भी। Actually, I was out of touch. अभी महेश जी, श्रवण जी आज आ रहे हैं बोलके मैं देख के आज आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आपको देख के बहुत अच्छा लगा सर। बहुत पुराना दोस्तानी है हमारा, लंग बहुत अच्छा लगा सर आपको जी, बहुत अच्छा लगा सर आपको देख के। थैंक यू। श्रवण सर एक बार पूछना था आपको। जब से मैं मेडिटेशन स्टार्ट किया हूँ, एक 16-17 डेज हो गया अभी, तो स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगता था, ऐसा शरीर में अच्छा फील होता था, पॉजिटिव एनर्जी रहता था, अच्छा एकदम अच्छा, एकदम फास्टनेस, एकदम एग्रेसिव, ऐसा एकदम अच्छा फील रहता था। फिर बाद में थोड़ा दिन बाद फिर और डलनेस हो जाता है। जैसे जैसे मेडिटेशन मैं करते जा रहा हूँ, शरीर में हीट बढ़ते जा रहा है, हीट तो एकदम पूरा ऊर्जा शरीर में उतरते जा रहा है, जैसे कि मानो टेम्परेचर चढ़ गया हो शरीर को, तो एकदम से ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी कि मेरा शरीर पूरा थक से गया है, कि क्या काम करने की इच्छा नहीं होती है, कि एकदम ऐसा आलस जैसा, एकदम कुछ करे काम करूं या नहीं करूं, ऐसा हो जाता है। फिर थोड़े दिन बाद और अच्छा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है बोले तो, चढ़ उतार क्यों होता है, ऐसा क्या स्थिति है ये? ओके, मेरे को इमिडिएटली आंसर नहीं दे सकता हूँ, बट थोड़ा समझना है और थोड़ा क्लैरिटी दे सकता है सर आपके स्थिति में, स्थिति के लिए। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं मेडिटेशन में अगर मैं स्टार्टिंग में एक घंटा कर रहा हूँ, ये जो स्थिति आप बता रहा है, ये जो स्थिति बता रहा है आपको, मेडिटेशन में हो रहा है या मेडिटेशन के बाहर हो रहा है? मेडिटेशन करने के बाद शरीर में पूरा गर्मी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का। okay. करते ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, दिन भर रहता है, बाद में मैं जब मेडिटेशन नहीं करता हूँ तो टेम्परेचर ऑलरेडी चला जाता है वो। ओके। एक्चुअली मेडिटेशन में क्या होता है, हमको ऊर्जा रिसीव करता है हमारा शरीर, एंड उस समय हमको बहुत सारा चेंजेस होता है हमारा शरीर के टेम्परेचर में। कभी कभी कैसा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर डाउन होता है, इसका मतलब क्या है कि ये एक साइंस है। हम जब एनर्जी रिसीव करते हैं, हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। समझो आप कोई मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करने के बाद उसका हाथ पकड़ लिया, थोड़ा गर्म लगता है, ठीक है। और कभी कभी कम मेडिटेशन में क्या होता है, कभी कभी एनर्जीज भी रिलीज होता है हमारे अंदर से, उस समय हमको कूल हो जाता है शरीर। अभी कोई शायद रेकी गीकी किया होगा, रेकी का एक्सपीरियंस या प्राणिक हीलिंग वगैरह, मतलब ऐसा हाथ से हाथ को एनर्जी देता है, ऐसा एक्सपीरियंसेस भी। तभी भी आप देखो, जिसका एनर्जी ज्यादा है उसका हाथ थोड़ा गर्म होता है जिसके बॉडी में, और जिसको रिसीव हो रहा है एनर्जी, मतलब जिसके कम है उसको थोड़ा टेम्परेचर कम लगता है। तो उसका हम ज्यादा चिंता नहीं करने का। एक्चुअली मैं एक शेयर करता हूँ, एक मिनट मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके,
क्रैक एन स्क्रीन हाँ सर दिख रहा सर ये एक्चुअली एक मेरा बुक है मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस का बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है बॉडी वेट एक्सपीरियंसेस है कभी बॉडी ज्यादा वेट बढ़ता है नहीं तो बॉडी लाइट हो जाता है बॉडीली मूवमेंट्स आता है बॉडी शेक होना मूव होना ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है और टेम्परेचर वेरिएशन आप जो बता रहे हैं ना इधर फिजिकल वार्मथ कभी कभी कोल्ड शिवर्स आता है तो ये सब फिजिकल एक्सपीरियंसेस बहुत सारा है ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस है और सेंसरी एक्सपीरियंसेस मतलब फीलिंग का स्किन का भी कुछ एक्सपीरियंसेस आता है और ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं सो बहुत सारा टाइप का एक्सपीरियंस आता है हमको मेडिटेशन में हम इसे डरने का नहीं बट एक्चुअली हम क्या करना है समझना है इस एक्सपीरियंस को साइंटिफिकली शास्त्रीय दृक्पथ से हम जब समझते हैं हमको इसका डर नहीं होता है और हमको क्लैरिटी आ जाता है क्या क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ इसलिए हमको पद्री जी बोलते हैं ज्यादा स्वाध्याय करो सो थैंक यू वेरी मच सर होप मेरा आंसर आपको दिया है आंसर आपको क्लैरिटी आया धन्यवाद थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग ठीक है और कोई कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या क्वेश्चन पूछना है यस गीता वंगारी जी वांट टू शेयर और आस्क मैं विवेकानंद हूँ सर विवेकानंद जी ओके नाम आप बोल रहे थे ना जागृत स्थिति पे आप जो मेडिटेशन करता है तब सोता है ना अलाउ करना है बोल के मैं एक 15-20 दिन पहले ऐसे ही एक वीडियो देख रहा था प्रेमना सर के वो बोल रहे थे जितना मेडिटेशन तुम ज्यादा बैठते ना उतना बैठ जाओ मैं ऐसा प्रैक्टिस किया एक अपना सेशन एक खत्म होने के बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद 11 से बैठ के 2 बजे तक बैठता था लेकिन मैं सोचता था कि मैं क्यों सो रहा हूँ मुझे आंसर नहीं मिला अभी तक फिर सर बोलते भी अवेयरनेस में ही मेडिटेशन करना है अपने वो मैं अभी एक 1 वीक तक किया था अभी मैंने छोड़ दिया हूँ मैं क्यों सो रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा ओके ओके मैं फिर से बताता हूँ चार स्टेजेस चैतन्य स्थिति ही है तीन स्टेजेस अवेयरनेस का ही है हम सोच रहा है कि एक स्टेज अवेयरनेस का नहीं है एक स्टेज अवेयरनेस का है ऐसा नहीं है ये तीन स्टेजेस एक्चुअली तीन चैतन्य स्थिति बोलते हैं तीन स्टेजेस में चैतन्य है समझ रहे हैं ना आप जब सोता है तभी भी चैतन्य है ना आपके अंदर आप जब सोता है आपको जब कुछ स्वप्न आता है ड्रीम्स आता है ड्रीम्स को भी आप कभी कभी याद कर सकते हैं ना बराबर ओके करेक्ट अवेयरनेस है ना आपके अंदर है या नहीं आप जो है ना मतलब डिफरेंस है ऐसा फीचर्स दिखता है कुछ हाँ. ऐसा ग्रीन जैसा ऐसा माउंटेन्स हाँ. ऐसा दिखता था बस उतना ही फिर मैं सोचता था क्या मैं सो रहा क्या है कुछ तो कर रहा है एक्चुअली एक्चुअली वो स्टेट में हम बिना सोच के जाना है एक्चुअली हम बिना सोच के हम जाता है हम आगे जाएंगे एक्चुअली ये चैतन्य स्थिति का परिवर्तन होता जाता है हमारा ध्यान के अंदर जब ध्यान में बैठता है हमको बाहर जो हो रहा है सबका सबके ऊपर हमारा नजर होता है राइट सो स्लोली वो अवेयरनेस को लेके हम स्लोली वो अवेयरनेस को अपने तरफ लेता है जब अपने तरफ लेता है तो हमारे अंदर जो भी हो रहा है लाइक सर ने बताया मेरा शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरा भी वैसे ही होता है तो ऐसा हमारे अंदर जो हो रहा है ये प्राणमय कोश अन्नमय कोश में क्या हो रहा है प्राणमय कोश में क्या हो रहा है मनोमय कोश में क्या हो रहा है विज्ञानमय कोश में क्या हो रहा है ऐसा हमारा 7 शरीर है ना 7 बॉडीज है उस 7 बॉडीज में क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर अवेयरनेस आ जाता है ऑटोमेटिकली हम जब अंतर्गत करते हैं हमारा अवेयरनेस और ये अवेयरनेस का एक्सपीरियंस भी बढ़ता है चेंज होता है पहला जागृत स्थिति में
हमको कैसा होता है हमेशा हम एक अलर्टनेस, जब सर बोल रहे हैं ना, एक टेंशन आता है अलर्टनेस के साथ, अलर्टनेस के पीछे एक टेंशन है, ये कहीं छूट जाए, ये एक्सपीरियंस छूट गया तो कैसे, हमें पूरा पकड़ के रखते हैं हम. जब स्लोली स्लोली अंदर जाते जाता है, ये स्वप्न अवस्था में कैसा होता है, बहुत सारा चीज होता रहता है. समझो आपको नींद में स्वप्न होता रहता है, बट आप स्वप्न को ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, साक्षी की तरफ देखते हैं. करेक्ट. आपका नेचर है, नेचर आपका स्वभाव है, अंदर जाते जाते आपका स्वभाव भी, एक्चुअल स्वभाव क्या है उसके अंदर जा रहा है, साक्षी का स्वभाव में जा रहा है. ओके. इसीलिए हमको जो हो रहा है मेडिटेशन में उसको उससे मस्ती लेना है. एक्चुअली हम ज्यादा दिमाग में रहते हैं, ज्यादा माइंड में रहते हैं, ज्यादा माइंड में हम सोचते हैं अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मैं जाग रहा हूँ, अभी मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ. जब माइंड को छोड़ दिया ना, सब अवेयरनेस का स्टेट ही है. सुषुप्ति भी एक अवेयरनेस का स्टेट है. सुषुप्ति में हम पूरा एकत्व, वो शून्य स्थिति, पूरा पूरा मतलब मैं नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, दूसरा भी नहीं है, कोई दुनिया नहीं है. समझ रहे ना? ओके सर, समझ में आएगा. हाँ हाँ, एक्चुअली हम इस ज्यादा हमारा दिमाग से ही चलता रहता है. मेडिटेशन में भी हम ज्यादा दिमाग से ही हम करते हैं. दिमाग को हम छोड़ दिया, हमारा स्टेट ऑफ चैतन्य, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होता जाता है. एंड हमारा जो ओरिजिनल स्थिति है, हमारा जो असली ट्रू सेल्फ है, असली स्वभाव है, उसके पास जाता है. इसीलिए समर्पण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेडिटेशन में. चल चलेगा सर, मैं भी अभी प्रैक्टिस करूंगा सर, कंटिन्यू बैठूंगा. अभी तो आंसर मिला है ना. हाँ, जस्ट देखते जाना है, मतलब मजा लेते जाना है, देखते जाना है, और जो हो रहा है होने देना है. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. ओके, सो इफ और आगे कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम सब्जेक्ट में जाएंगे आज का सेशन में. ठीक है. ओके, सो आज का टॉपिक है समर्पण. सो समर्पण एक्चुअली किसको करना है समर्पण? हम समर्पण बहुत सुनता है ना हम ध्यान में, या सरेंडर होना ऐसा बहुत सुनता है ना. मतलब सब लोग म्यूट में है, सब लोग ऐसा है, सो मैं किससे बात करूं पता नहीं हो रहा है. सो इज इट ओके इफ यू सब लोग ऐसा अनम्यूट करके या वीडियो दिखा के बात किया तो? हेलो. यस सर. सो थोड़ा मतलब मेरे को पता नहीं हो रहा है क्या देख रहा है, या अवेयरनेस इधर है या किधर और ही है. So, समर्पण मींस जो हम जिस स्थिति में है या जो हमारे सामने स्थिति है उस स्थिति को एक्सेप्ट करना. वंडरफुल. ये मतलब मेरे तरीके से या मुझे लग रहा है समर्पण होना चाहिए. आप बता सकते हो कि कितना सच है और कितना. तो आप बहुत सही बोला सर. एक्चुअली ये सही आंसर है. हमारे इस क्षण में क्या हो रहा है उसके ऊपर हम समर्पण करना है. मतलब इस मोमेंट पे क्या हो रहा है, हम एक्चुअली कैसा सोचता है कि बहुत लोग समर्पण मतलब मैं एक गुरु को समर्पण कर रहा हूँ, मेरे को मेरा विल, मैं गुरु का विल को समर्पण कर रहा हूँ, मैं नहीं तो भगवान को समर्पण कर रहा हूँ. जो मैं सोचता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भगवान करता है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा सोचता है. So, ये ऐसा करके करके थोड़ा हेल्पलेसनेस में चले जाता है लोग. उसका पावर जो है दूसरे को ऊपर डाल देता है. और हमारा पावर दूसरे को ऊपर डालना समर्पण नहीं है. एक्चुअली समर्पण का असली मतलब ये है इस क्षण में क्या हो रहा है, इसी मोमेंट में क्या हो रहा है उसके ऊपर हम सरेंडर होना, मतलब उससे झगड़ना नहीं, उसको हम एक्सेप्ट करने का, बीइंग ओके विद व्हाट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट, दिस इज एक्चुअल समर्पण. थैंक यू वेरी मच सर फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. थैंक यू सर.
थैंक यू सर. सो होप माय आई एम टॉकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू. यस यस थैंक यू. सो एक्चुअली क्यों करना है समर्पण? समर्पण करने का फायदा क्या है? प्लीज आंसर सो दैट यू नो इट विल बी वेरी फन टू एक्सरसाइज अवर इंटेलिजेंस. हमारा दिमाग को थोड़ा यूज करना, हमारा जो भाव है व्यक्त करना अच्छा लगता है हमको भी. अगर समर्पण करते हैं तो जो भी स्थिति हमारे सामने आई है उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं या उससे हल कैसे निकल सकते हैं वो हम सोचेंगे. फिर से बताइए सर. एक मिनट. समर्पण अगर हमने किया तो उससे हमें ये पता चलेगा कि जिस कंडीशन में हम है चाहे वो बुरी हो तो उससे हम बाहर कैसे आ जाएंगे और अच्छी है तो ठीक है ये कैसे रहना चाहिए या कैसे होती है ये. ओके ओके आप जो बोला है वो थोड़ा 50% सही है. एक्चुअली जो अच्छा हो रहा है और बुरा हो रहा है दोनों के पार जाने के लिए हम समर्पण करना है. एक्चुअली हमारा स्थिति जो है हमेशा चेंज होता जाता है, हमेशा हमारा स्थिति परिवर्तन होता जाता है. समझो मैं अभी इस क्षण में बहुत सारा चीज हो रहा है मेरा अंदर, मेरा शरीर में जो अभी डिनर खाया है वो डाइजेस्ट होके जो फूड है वो डाइजेस्ट होके चेंज हो रहा है उसका स्थिति, राइट? और जो मेरा मन है मन का फ्रीक्वेंसीज भी, मन का थॉट फ्रीक्वेंसी भी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है. जब हम समर्पण नहीं करते उधर ही हम स्टक हो जाता है, परिवर्तन नहीं होते हैं. Am I making sense? थोड़ा concept? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. हम परिवर्तन नहीं होते. Okay. So हम परिवर्तन होने के लिए समर्पण होना है. So अभी इस moment को मैं accept करता हूं तब इस moment से मैं मोक्ष पाता हूं. इस क्षण में जो हो रहा है उससे मैं मुक्ति आता है मेरे को जब मैं इस मोमेंट को मैं समर्पण. समझ रहे हैं ना? लेट गो लेट गो हम सुनते हैं ना बहुत सारे बार हमको लेट गो ये लेट गो हो जाओ लेट गो करो सुनते हैं ना ऐसा बात. यस सर. ये लेटिंग गो का एक्चुअल मीनिंग है बीइंग ओके विथ व्हाट इज. लेटिंग गो मतलब बीइंग ओके. Let it be. मतलब मेरे को थोड़ा फीडबैक चाहिए क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ. आप लोग को समझ रहा है नहीं समझ रहा है मेरे को? नहीं समझ रहा है सर. समझ रहा है, समझ के ले रहे और आपको क्या आंसर देना है वो भी बना रहे सर. तो थोड़ा हमें टाइम लगेगा आपको. बात करते रहिए जो सही है. समर्पण का सर हम समझ नहीं रहे. आप कंटिन्यू. अपना स्पिरिचुअल में ग्रोथ होता है सर वो मींस हम लोग वो एक्सपेक्टेशन से बाहर आते हैं सर. मींस हम लोग एक्सपेक्टेशन से बाहर आते हैं और मोस्टली इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग एक्सेप्टेंस मींस हम लोग मुक्ति से बाहर जल्दी आते हैं सर. मुक्ति भी दैट मींस दुख से बाहर आते सर. नहीं तो हम लोग वो चीज अपने मींस एक इंसिडेंट हुआ एक बैड इंसिडेंट हुआ मेरे साथ. मैं अगर एक्सेप्ट नहीं किया वो तो वो मेरे में ही रह जाएगा और मैं वो कंटिन्यूसली उसके वही मेरे दिमाग में चलता रहेगा. वो उसके थॉट्स आते रहते हैं अपने को. वन थॉट से शुरू होता है. वन थॉट से नंबर ऑफ थॉट्स बनते हैं उसके. वो कोरिलेशन बनता है सर सारे ऐसे मीन्स ऐसे मेरे को लगता है सर. मीन्स वो क्या होता है ना पूरा डिस्टर्ब होता है माइंड अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं किया तो. जैसे कि वो एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेशंस नहीं रहना चाहिए और एक्सेप्टेंस रहना चाहिए सर. ये मेन स्पिरिचुअल का ऐसा लगता है सर मींस ग्रोथ अपने में इसका फायदा ज्यादा है. मतलब हम जब जो जो हमारे जीवन में हो रहा है
उसको हम जब एक्सेप्ट करते हैं और हम उस स्थिति से पार जाने के लिए बहुत आसान हो जाता है right. नहीं तो हम उधर अटक जाता है। एक्चुअली हमारा लाइफ माइंड कैसा करता है, माइंड का फंक्शनिंग कैसा होता है, माइंड हमेशा अटक करने के लिए, पकड़ने के लिए कोशिश करता है। सोल क्या करता है, सोल ऐसा जाने के लिए जर्नी में ज्यादा फोकस होता है, सोल का पकड़ने में नहीं होता है। माइंड का मेजर फंक्शनैलिटी जो होता है वो पकड़ने में होता है। सो हम जब आत्मा के तरफ जा रहा है सो हम माइंड का स्वभाव से आगे जाके सोल का स्वभाव को पकड़ना है। सोल का स्वभाव हमेशा वो प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, उसको जो हो रहा है उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करता है। और कैसा करना है ये एक्सेप्टेंस वो हम आज समझेंगे। एक्चुअली मेजर एस्पेक्ट जो होता है सरेंडरेंस का, अंडरस्टैंडिंग, सरेंडरेंस का मेजर एस्पेक्ट जो होता है अंडरस्टैंडिंग। समझो मेरा जीवन में कुछ दुख हो रहा है, कुछ कुछ चीज हो रहा है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तब हम क्या करते हैं उधर ही हटक जाता है। जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं, समझो मैं इस स्थिति में आने के लिए क्या क्या किया है, पूर्व जन्म में क्या किया है या इसी जन्म में क्या क्या किया है और क्यों ये स्थिति में मेरे को आया है, क्यों ये परिस्थिति आया है मेरे पास, जब ये सब समझ आता है हमको सरेंडरेंस आ जाता है ना जो हो रहा है। Yes, समझो मेरे को कोई ने कोई मार रहा है मेरे को, सिंपल सा चीज है, बट मेरे को तकलीफ है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं वो क्यों मारता है मेरे को। जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट देखता है, हम जाके इस जन्म के पहले हम किधर से आया है उधर जाके हम सोल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तुम्हारा और मेरा बीच में क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट, और उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस क्षण में इसी टाइम में मैं जब शोलापुर में रहता हूं मैं मेरे पास बहुत ऐसा स्थिति में होता है, तुम आके मेरे को थप्पड़ करो, ऐसा बोल के मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट देके उसको बोलता हूँ ऐसा तुम्हारा काम है। जब ये समझ में आ जाता है, जब वो मारता है उसका दुख होता है क्या हमको? मैं मेकिंग सेंस टू यू? यस सर, यस। ये समझ बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, हमारा ज्ञान को बढ़ाना, हम क्यों स्थिति में है और क्या डिसीशन लिया है, कैसा निर्णय लिया है हमने, सो ये सब अब समझते हैं, हमको बिगर पिक्चर जो लार्जर पिक्चर है जब हमको ये समझ में आ जाता है सरेंडरेंस आसान हो जाता है। सो इसीलिए हमको पिरामिड सोसाइटी में ज्ञान का बहुत बड़ा स्टेज दिया है। सो ये क्लासेस जो हो रहा है डेली, रोहित जी ने और चंद्रशेखर जी ने इतना मास्टर्स को बुला रहा है, डेली क्लासेस बना रहा है, क्लासेस बताने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हमारा समझ बढ़ाने के लिए, पर्सपेक्टिव बढ़ाने के लिए। जब हमारा पर्सपेक्टिव जब बढ़ता है, हमारा दृक्पथ जो बढ़ता है, जो इतना ही देख रहे हैं हम जीवन में, बट स्लोली स्लोली हम पूरा देखने लगता है, हमारा विजन पूरा ज्यादा होता जाता है, जब हमको ऑटोमेटिकली सरेंडरेंस आ जाता है जो हमारा जीवन में हो रहा है, एक अर्थ के लिए हो रहा है, एक मीनिंग है, कुछ चैलेंजेस आया मेरे लाइफ में, बट ये चैलेंजेस भी मेरे को एक उपयोग कर रहा है। कल एक मास्टर को मिला था, वो बोला है समझो मेरे लाइफ में ये सब मेरे लाइफ में नहीं होता है, मैं ध्यान को नहीं आता था, मैं अभी थैंक यू बोलता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरे को इतना तकलीफ दिया है, क्योंकि उसके वजह से मेरे को ध्यान का रास्ता आया मेरे पास। सो ऐसा उसका सोच आया। सो मेरा हिंदी या मतलब समझ रहे ना सबको? यस सर, सर समझ रहे सर। मतलब ज्यादा स्टिल रहता है ना मेरे को, नहीं 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 ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं वॉइस सुन रहा है या नहीं। सो नहीं नहीं So, ये पिक्चर बड़ा पिक्चर लाइक यू नो द बिगर पिक्चर, मेरा जीवन में मैं इसी पेरेंट्स को क्यों जन्म हुआ है और इसी जीवन साथी को मैं क्यों चुना है और इसी प्रोफेशन को मैं क्यों चुना है, मैं क्यों इंजीनियर बना, मैं क्यों डॉक्टर बना, मैं क्यों बिजनेस व्यापार वेत्ता बना है,
ये क्यों मैं डिसीजन लिया, ये क्यों मैं मेरा लाइफ को ऐसा डिजाइन किया मैंने, जब ये सब हम समझता है हमारा जीवन को हम बिगर पिक्चर के रूप से देखता है, हमको पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये सब अभी सेंस आ रहा है, अभी क्लैरिटी आ रहा है कि मेरा लाइफ पूरा इतना क्लियरली प्लान किया है मैंने। देखो सबका इम्पोर्टेंट है, सबका इम्पोर्टेंस है मेरा लाइफ में, ये समझ आ जाता है जब, देन हमारा लाइफ के ऊपर हमारा जो रिलेशनशिप है, जगड़ने वाला रिलेशनशिप नहीं है, एक फ्रेंड वाला रिलेशनशिप, लाइफ इज अवर फ्रेंड। जब हमारा रिश्ता होता है जीवन के साथ, या जीवन या दुनिया विश्व या गॉड जो भी आप बोलते हैं, हमारा रिश्ता होता है कि सी लाइफ इज व्हाट आई हैव डिजाइन्ड इन दिस मैनर, मैंने ऐसा डिजाइन किया है मेरा फायदा के लिए, मेरा एवोल्यूशन के लिए, मेरा प्रगति के लिए। सर टू यू, यस सर, यस यस यस, लैंग्वेज समझ में आ रहा है, थोड़ा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है करेक्ट है ठीक है। एंड सेकंड एस्पेक्ट इस, ये जो परिस्थिति जो है हमारे जीवन में, ये सब परिस्थिति हमको एक विकास के पथ में, एवोल्यूशन के पथ में लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है, हमको कुछ सिखा रहा है, हमको एक लेसन दे रहा है। जब मैं स्कूल को जाता हूं, मैं टीचर्स को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, टीचर्स को बोलता हूं टीचर तुम गलत है। सो जब टीचर जो बोलता है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता है, हमारा ध्यान पूरा टीचर को गलत साबित करने में होता है। हम भी वैसा ही हमारे जीवन में कैसा करता है, हमारे जीवन को गलत साबित करने में, ये मेरा जिंदगी नहीं होना है, मैं इसी माँ बाप को नहीं जन्म होना है, मैं शोलापुर में नहीं होना है, मैं अमेरिका में पैदा होना है। सो हम हमेशा ऐसा लाइफ को गलत बताने में इतना कोशिश करता है, जब हम लाइफ का लेसन समझ नहीं आता हमको। सो हमेशा ये लर्निंग पर्सपेक्टिव। सो सरेंडरेंस के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक लर्निंग एटीट्यूड। सो हमारा जीवन हमेशा कुछ सिखाने के लिए है, जो भी परिस्थिति हमारे पास आ रहा है, ध्यान में ध्यान के बाहर जो भी परिस्थिति है, हमको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। और सेकेंड थिंग इज, हमेशा हमारा पर्सपेक्टिव बढ़ाना है, हमारा दृक्पथ बढ़ाना है, हमारा दृष्टिकोण बढ़ाना है, और हम हमेशा बिगर पिक्चर क्या है और पूरा क्यों ये सब सिचुएशंस ये सब क्यों हो रहा है। सो ये दो चीज के ऊपर हम जब फोकस करता है, हमारे जीवन में समर्पण आसान हो जाता है। Making sense, sir, to you? Yes, 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 sir. So thank you very much, sir. और भी हमारे पास टाइम भी बहुत जल्दी जा रहा है। So और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हमारा रिश्ता लाइफ के साथ कब डिसाइड होता है और कैसा, थोड़ा इंग्लिश बताऊंगा, मेरा हिंदी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चलेगा ना इंग्लिश? चलेगा सर, यस सर। व्हाई दिस रिलेशनशिप विथ लाइफ इज लाइक दैट, व्हाई माई करियर में आगे नहीं जा रहा हूँ, व्हाई मेरे पास मेरा को हेल्थ इश्यूज आ रहा है, और व्हाई मेरे को जो फाइनेंस जो संपदा मेरे को चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्यों मेरे लाइफ में कुछ चैलेंजेस है, राइट? करेक्ट सर। ये जो चीज है, ये सब हमारा भगवान के साथ या लाइफ के साथ या सोर्स के साथ या खुद के साथ जो रिश्ता है उसको वो डिसाइड करता है। और इसका बेस प्रिमाइस होता है, बेस इंपॉर्टेंस होता है, हमारा माँ बाप के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। जब हम माँ बाप को सरेंडर नहीं कर सकते, हम जीवन को सरेंडर नहीं कर सकते। जब हम पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते पेरेंट्स को, और लाइफ को भी हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसा हम पेरेंट्स को देखते हैं जैसा ही हम लाइफ को ही देखते हैं। ये चीज थोड़ा
अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट आपको समझ में आ रहा है क्या? आपको आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर, हो रहा है ना? क्योंकि पहला चीज, अब जब हम पैदा होता है इस धरती में, हमको पहला बार लाइफ का एहसास, लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा आता है? माँ और पापा से। इससे ही हमारा रिश्ता बढ़ता है जीवन के साथ। जब हमको माँ से प्यार नहीं मिला और हम सोचते हैं जीवन जीवन भी लाइफ भी हमको प्यार नहीं करते, हमको पापा से जो भी चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जब वो नहीं मिला हम सोचते हैं जीवन भी वैसा ही है, सोसाइटी भी वैसा ही है, जैसा हम पापा को देखता है वैसा ही सोसाइटी भी दिखाता है, और जैसा हम माँ को देखता है वैसा लाइफ प्रकृति भी वैसा ही बिहेव करता है हमारे साथ। आई एम मेकिंग सेंस टू यू सर? करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। सो हम जब लाइफ के ऊपर समर्पण होना है या लाइफ के ऊपर रिश्ता अच्छा बनाना है या लाइफ लाइफ हमको जो चाहिए वो देना है, हमको अबंडेंस देना है, प्यार देना है, शांति देना है, मुक्ति देना है, या हमारे ध्यान के अंदर भी जो भी आना है वो सब हमको आना है, तो हमारा बेसिक करेक्शन हम किधर करना है कि हमारे माता पिता के साथ हम कैसा रिश्ता है हमारे साथ, उसको हम करेक्ट करना है। Making sense, sir? Yes, sir. So, ये जब हम माता पिता के साथ हम झगड़ता है, फाइटिंग करता है, yes, sir. Automatically हम लाइफ के साथ भी फाइटिंग करता रहता है। So, ये बहुत मतलब बहुत डीपर पर्सपेक्टिव है। मेरे को भी, मैं बहुत झगड़ा किया था मेरा माता पिता से, मैं छोड़ के गया था उसके साथ, बट मैं किधर भी कितना बड़ा भी हुआ है, कितना बहुत धन कमाया है, बहुत सक्सेस पाया है, मेरे को बहुत बड़ा टाइटल मिला है, पिरामिड मास्टर बोल के, पीएमसी एम्बेसडर बोल के, ट्रस्टी बोल के, वो बोल के, ये बोल के, ऐसा स्पिरिचुअलिटी में भी बुक्स भी लिखा है, बहुत टाइटल्स आया, बट अंदर शांति नहीं मिला है। लाइफ के साथ कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, कमी था, खोया जैसा फीलिंग था। मेरे को लगता है लाइफ थोड़ा अनफेयर है मेरे साथ, भगवान थोड़ा अनफेयर है मेरे साथ, मेरे को जो डिजर्विंग है वो नहीं दिया है मेरे को, ऐसा लगता था। जब मैं पर्सपेक्टिव को चेंज किया है, थोड़ा थोड़ा स्लोली एक्सेप्ट करने लगा मेरा माता पिता को, मेरा माता और पिता को जब मैं एक्सेप्ट किया है, उन लोगों को जो वैसा है वैसा ही है, ऑटोमेटिकली अंदर शांति मिलने लगा, और ये जो लाइफ का अबंडेंस, लाइफ का जो प्रकृति का जो स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है अबंडेंस, समृद्धि, प्रकृति में हमेशा समृद्धि है, और हमको जितना चाहिए उससे ज्यादा ही है प्रकृति में हमेशा। तो माँ का प्यार कैसा होता है, कभी कम होता है क्या? नहीं, हमेशा बढ़ता जाता है। वैसे हम प्रकृति भी हमारे ऊपर बहुत प्यार करता है, बट हम प्यार को रिसीव नहीं करते क्योंकि हम प्रकृति को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हम माँ को एक्सेप्ट नहीं करते। करेक्ट। और सोसाइटी, बहुत लोगों को सोसाइटी से बहुत सारा इश्यूज है, मेरे को भी बहुत सारा इश्यूज आया, बचपन से बहुत बुलिंग हुआ है, बचपन से मेरे को बहुत टीजिंग करता था मेरा आसपास के लोग, और मेरा प्रोफेशन में, मेरा करियर में लोग मेरा बात नहीं मानता था, और बहुत सारा इश्यूज होता था मेरे को सोसाइटी के साथ, संघ के साथ, क्योंकि मेरे को पिता के साथ, मेरा पिता के साथ रिश्ता ऐसा ही था, मैं मेरे पिता को एक्सेप्ट नहीं करता था, ऐसा सोचता था कि पिता हमेशा घमंड है, उसका ही बात सुनना है, तो हमेशा एक स्ट्रगल था मेरा पिता के साथ। जब मैं ये स्ट्रगल को रिजॉल्व किया है, ऑटोमेटिकली ये जो सोसाइटी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगा, इतना स्ट्रांग था सोसाइटी, इतना बड़ा था संघ, और मैं बहुत छोटा था, और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहा था सोसाइटी ने, और स्लोली स्लोली जब ये रिश्ता चेंज हो रहा है और सोसाइटी भी मेरा फ्रेंड हो रहा है, मेरा करियर आगे बढ़ने लगा, और मेरा
प्रोफेशन में मैं आगे बढ़ने लगा, मेरा बिजनेस भी ज्यादा बढ़ने लगा जब मेरा पिता के साथ जब रिश्ता अच्छा हो रहा था। सो आज हम ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे क्योंकि दीज टू आर अवर फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड्स। हमारे जीवन का बड़ा रिप्रेजेंटेटिव्स है माँ और पिताजी। इसलिए हमको मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा बोलते हैं, बट हम अभी भी हम सरेंडर नहीं करते उन लोगों को, ट्रस्ट नहीं करते। सो जब हम ये जब पर्सपेक्टिव चेंज होता है सो ऑटोमेटिकली हमारा हमको जीवन में समर्पण करने का, जीवन को ट्रस्ट करने का, जीवन के ऊपर विश्वास करने का आसान हो जाता है हमारा लाइफ में। ठीक है, एक तो थोड़ा विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करेंगे एक 5 मिनट के लिए हम आज। ओके सर। हम क्या फोकस करेंगे कि हमारा माता पिता को मेंटली सरेंडर करेंगे हम। ओके ठीक है। और किसी को इश्यूज है माता पिता के साथ, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सरेंडर नहीं हो सकता है। ओके सो जब हम ये सरेंडरेंस जब हम माता पिता से शुरू करेंगे तब हमको ऑटोमेटिकली जीवन में सरेंडरेंस आसान हो जाता है। इज इट ओके फ्रेंड्स एवरीवन? यस सर। एनी इश्यूज? नो सर। थैंक यू वेरी मच। सो आंखें बंद कीजिए सब लोग। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। पार पिरामिड कैबिनेट। जस्ट रिलैक्स इनटू योरसेल्फ। और थोड़ा अंदर जाने के लिए आप 2-3 श्वासें भी ले सकता है। जस्ट रिलैक्स इनटू योरसेल्फ। ये दीर्घ चैतन्य स्थिति में, ये डीप कॉन्शियसनेस स्टेट्स में हम हमारे बचपन को एक बार याद करेंगे। कैसा था हमारा रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ, जब हमको कुछ चाहिए, प्यार चाहिए या कुछ मांग है, जब वो मांगे पूरे नहीं हुआ है, हमको कैसा लगता था, कैसा देखता है हम माता पिता को हम, इसको सिर्फ एक बार देखिए, साक्षी के तरह देखिए, कैसा हम सोचते थे। अभी भी माता पिता बोला है तो कैसा सोच आता है हमारे दिमाग में, क्या ये माता पिता हमको हमेशा एक्सेप्ट नहीं करता है, हमको हमेशा कुछ डांटते हैं। सो कैसा था हमारा लाइफ एक्सपीरियंस, कैसा था, एक बार साक्षी होके देखिए। कैसा इमोशंस है, डर आता है या प्यार आता है माता पिता को याद किया तो, सफोकेशन आता है, ये गुस्सा आता है, क्या आता है हमारे अंदर, कैसा भाव है हमारे अंदर, उसको पहचानिए, उसको एक बार देखिए, रिकॉग्नाइज कीजिए।
क्या कंप्लेंट्स है हमको हमारे माता पिता के ऊपर, फ्रीडम नहीं देता है, समझते नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देता है। अक्नॉलेज कीजिए, जो भी आपका फीलिंग्स है सच है, सही है, वैलिड है, आपका फीलिंग्स सब वैलिड है। जब आप खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता है या अक्नॉलेज नहीं करता है, रिकॉग्नाइज करता है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, पहला आपका सच्ची फीलिंग क्या है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। आपका सच क्या है? कोई नहीं देख रहा है आपको, आप ही देख रहे हैं आपको। That's wonderful, friends. अभी आपका अवेयरनेस को थोड़ा डीपर करके आपका माता पिता को देखिए। आपका माता पिता का चेहरा याद कीजिए और उसका बचपन देखिए। ट्रस्ट द इंप्रेशन यू आर गेटिंग। उसका बचपन कैसा था? उसका बचपन में कैसा चैलेंजेस था? क्या आपके मां बाप का, माता पिता उसको एक्सेप्ट करते थे? क्या आपके माता पिता का सोसाइटी सब देते थे उस उन लोगों को? कैसा था उसका लाइफ एक्सपीरियंस? ट्रस्ट द इंप्रेशंस, जो भी आपको आ रहा है आपके इंट्यूशन के थ्रू उसको ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। कैसा था उसका जीवन? कैसा चैलेंजेस था उसका लाइफ में? अभी ये देखिए वो चैलेंजेस से गुजरते भी आपको क्या क्या दिया है। आपको कभी उस उन लोगों का तकलीफ नहीं बताया है, हमेशा आपको खाने का टाइम पे खाना मिला है, बहुत लोगों को स्कूल में एजुकेशन मिला है। जितना भी मुश्किलें हैं उनके जीवन में वो सब साइड में रख के आपको बेस्ट लाइफ देने के लिए वो कोशिश किया है। बताइए आपके मन के अंदर, आपके माता पिता को देख के बताइए कि आपके लाइफ में बहुत सारा इश्यूज थे, बहुत सारा चैलेंजेस थे, फिर भी मेरे को खाना खिलाया है, मेरे को जीवन दिया है, मेरे को एक घर दिया है, मेरे को कपड़ा दिया है, मेरे को एजुकेशन दिया है, मेरे को सपोर्ट किया है फाइनेंशियली। ये सब करने के लिए आपको बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपके मन के अंदर ये ग्रैटिट्यूड, ये कृतज्ञता भाव को आप एक्सप्रेस कीजिए
आपके माँ बाप को देखते। कभी कभी मैंने आपको गलत तरीका से समझा है, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, बट आज मैं रियलाइज कर रहा हूं कि आप हमेशा मेरे साथ सही इंटेंशंस में थे और आज मैं आपको सही तरीका से देख रहा हूं और मैं आप लोगों को एक्सेप्ट कर रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं आपके ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को जन्म दिया है। और मेरे को खाना दिया है, सब कुछ दिया है, सो उसके लिए बहुत 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 आभारी हूं, बहुत धन्यवाद है, बहुत कृतज्ञता है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा मन के अंदर ही आपके सिर को लेके उसके पैर के पैर को टच कीजिए। सरेंडर टू दैट ग्रेटनेस, सरेंडर टू दैट सेल्फलेसनेस। बाव कीजिए, आपका रेस्पेक्ट एक्सप्रेस कीजिए। दैट्स वंडरफुल फ्रेंड्स, दैट्स रियली वंडरफुल। एक्सप्रेस कीजिए आपका कृतज्ञता को, एक्सप्रेस कीजिए। आप लोग जो जीवन दिया है, इस जीवन को मैं हमेशा प्यार के साथ, संतोष के साथ, शांति के साथ और संपदा के साथ जीऊंगा। आपसे भिन्न हुआ तो मेरे को समझिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आपसे भिन्न तरीका से जिया तो भी मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आप हमेशा बड़ा है, मैं छोटा हूं। आप बड़ा है, मैं छोटा हूं। मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरा लाइफ में प्यार, संपदा, शांति, संतोष ये सब होने का होने के लिए आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेता हूं। और मेरा जीवन को मैं अच्छा बनाता हूं। उसी कृतज्ञता भाव से जो माता पिता के पीछे जो प्रकृति है, जो विश्व है, विजुअलाइज कीजिए, उसके पीछे वो एक गार्ड का स्वरूप है। अभी आप वो गार्ड को देख रहे हैं, आपका पूर्णात्म है, आप जिधर से आया है वो सोर्स है, शून्य है, वो हायर सेल्फ है। उधर उसको देखिए, वो भी हमेशा आपके साथ रहा था, हमेशा आपको सपोर्ट किया था और करता है। वही कृतज्ञता उसी लाइफ के ऊपर, उसी विश्व के ऊपर, उसी भगवान के ऊपर, उसी आत्मा के ऊपर, वही कृतज्ञता भाव एक्सप्रेस कीजिए। और मेरा जीवन में जो भी हो रहा है सही हो रहा है। मेरा जीवन में हमेशा जितना चाहिए मेरे को उससे ज्यादा ही मिल रहा है।
कभी कभी मैं मेरा इग्नोरेंस के वजह से आपको सही तरीका से नहीं समझ पा रहा हूं, बट मेरे को ज्ञान दीजिए, मेरे को विजडम दीजिए आपका असली स्वरूप देखने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए आपको। तो वही कृतज्ञता भाव को एनहांस करते करते यही कृतज्ञता भाव से धीरे धीरे हम एक कृतज्ञता भाव को बढ़ा के धीरे धीरे हम इसी बॉडी में आ जाएंगे, जिस रूम में हम बैठा है उसी रूम में आ जाएंगे। हमारा अवेयरनेस को स्लोली स्लोली बाहर के तरह लेके आएंगे। 5, 4, आपके शरीर के अंदर ही कृतज्ञता भाव को पूरा एक्सपीरियंस कीजिए, आपके मन के अंदर ही कृतज्ञता भाव को एक्सपीरियंस कीजिए। 4, आपके आत्मा के अंदर ना डीप हो गया ये कृतज्ञता भाव, इससे आप लाइफ को बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत विश्वास करता है, प्रकृति को आप बहुत विश्वास करता है, खुद को आप बहुत विश्वास करता है, क्योंकि आप भी प्रकृति का एक रूप है, का शरीर को बहुत ट्रस्ट करता है, आप बहुत विश्वास करता है, आपके मन को भी आप बहुत विश्वास करता है, आपका बुद्धि को आप विश्वास करता है, आपका इंट्यूशन को आप बहुत विश्वास करता है, क्योंकि ये सब प्रकृति के द्वारा दिया गया है। आप भी प्रकृति का एक रूप है, एक पार्ट है, एक भाग है। 3, यही सोर्स को, यही आत्मा को, यही पूर्णात्मा को, यही चैतन्य स्वरूप को नमन देते हुए 1, 0 स्लोली स्लोली आपके दोनों हाथों को आपके आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 स्लोली स्लोली आप जब भी रेडी है आपके हाथों को देखते देखते आपके आंखों को खोलिए। Wonderful. That's wonderful, friends. That's wonderful, friends. कोई शेयर करना चाहता है उसका एक्सपीरियंस या उसका रियलाइजेशन जो भी है? कैसा लगा था मेडिटेशन? और अभी सरेंडर करने के लिए कुछ इश्यूज है या कैसा है? अभी आपके मन के अंदर कैसा फीलिंग है अभी? मेडिटेशन अच्छा था सर, बहुत अच्छा था, अच्छा फील हुआ सर। बहुत सारे चीज पता चला सर मेडिटेशन में। जैसा लाइक मींस हम लोग सोचते ना सर, मींस हम लोग ही, मींस वो ह्यूमन टेंडेंसी होता है सर, मींस हम लोग खुद के ऊपर क्या बोलते हैं, खुद को ही राइट समझते कभी भी। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं सर, अपना नॉलेज बढ़ता है और वो सारे कॉन्सेप्ट पता चलता है ना सर। अभी आपने जैसे गाइड किया ना, उसमें वही बताया सर, वी आर दी रॉन्ग, दे आर वो करेक्ट ही है वो लोग, लेकिन वी विल नॉट थिंक दैट मच ऑफ ब्रॉड, मींस हम लोग उतना नहीं सोचते ब्रॉड में। सर मेडिटेशन That's wonderful, that's wonderful. Actually, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम
हम ये साइकिल में अटक जाते हैं। जब इसको क्रॉस कर सकता है हमको जीवन में बहुत आसान हो जाता है, लाइफ विल बिकम इजियर। रियली वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर। कोई शेयर करना चाहता है? बहुत ही अच्छा लगा सर आपका मेडिटेशन। सर आवाज आ रहा है सर मेरा? यस सर, यस सर आ रहा है। मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा सर। माँ बाप के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ और मैं, और बचपन से माँ ने जो हमारे लिए संस्कार किए हैं, अनेक कष्ट किए हैं उन्होंने, अनेक कष्ट सोच ये जिम्मेदार सहन करके हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, कैसे कैसे तरीकों से उन्होंने हमें पाल पुस्तर बड़ा किया। बहुत ही कष्ट से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और हमारे लिए अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा सब अच्छे तरीके से उन्होंने किया। वो ये सब याद आके बहुत ही मन में भाव, कृतज्ञ भाव और विचार पैदा हो गए सर, और माँ बाप के प्रति और ही बड़ा कृतज्ञ और ही बड़ा समर्पण फील हो रहा है मुझे अभी। बहुत ही अच्छा जो उन्होंने किया उसका अभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता सर, इतना उन्होंने आज तक हमारे लिए किया सर। yes, इसलिए माँ के प्रति और मैं कृतज्ञ हो गया सर। yes. वो मेरे लिए भगवान से बड़े है सर। समर्पण भाव उनके प्रति और ही पैदा होगा सर, और ही अच्छा होगा। yes, really जीवन में और ही कुछ और भी कुछ करना चाहता हूँ सर। For our parents, in one meditation. But फिर से बताइए. I'm asking you one question. Last word सुनाई नहीं दिया. Hello. Last word सुनाई नहीं दिया मेरे को. हाँ. I'm asking you how to overcome the feeling, the bad feeling, whatever bad feeling I have against the parents. So how to overcome it? Because because you know most of the time I keep on blaming them for some reasons. So usko kaise overcome kar sakte? Yes. Thank you very much, madam, for asking this question. Actually, मेरे को भी बहुत सारे complaints थे मेरा माता पिता के ऊपर। और ये जो हम मेडिटेशन किया है इसका मतलब नहीं है कि हम माता पिता का गुलाम है। इसका मतलब नहीं है कि हमारा जीवन उसके हाथ में है। अभी कभी हम कुछ लोगों ऐसा हुआ है कि अब्यूजिव पेरेंट्स थे, अब्यूजिव चाइल्डहुड थे, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड थे, बट हम हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं हो रहा है सर, नहीं होता है। यस दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू मैडम। एक्चुअली हम ये यही फीलिंग में हम स्टक होता है, हमेशा हम विक्टिम मोड में होता है। हम जैसा माता पिता को देखता है वैसा ही हमारा जीवन में एक्सपीरियंसेस बार बार आता जाता है। समझो हमारा पिता हमारे पास अब्यूजिव थे, हमारा पति भी हमारे पास अब्यूजिव होता है, पति छोड़ दो हमारे बच्चे भी हमारे पास अब्यूजिव होता है। ठीक है, बच्चे पति सबको छोड़ दिया और मैं बाहर दुनिया में जाता है, कोई और आके अब्यूज करता है हमको। ठीक है, मैं पूरा सबको छोड़ के, ये मनुष्य पूरा गलत है, हमेशा मेरे को टॉर्चर करता है बोल के मैं जंगल में चला जाता हूँ, प्रकृति आके हमको अब्यूज करता है। इंसेक्ट्स आता है, स्नेक्स आता है, रैट्स आता है। क्योंकि हम जब तक हम इस मोड से हम बाहर नहीं आता है तब तक यही एनर्जी में स्टक हो जाता है और बार बार यही एक्सपीरियंसेस को हम इनवाइट करता जाता है। अच्छा, यू मीन टू से कि वी हैव टू फॉरगिव देम?
Yes, but forgiveness doesn't come by abusing yourself. You don't become a doormat. You will stand up for yourself. At the same time, you will not hold them accountable for everything what happened with your life. I'm holding them accountable for everything. Yeah, that's what is the victim mindset. Like, you know, we always try to hold them accountable and we lose our power. But what they are accountable for that in that case. Yeah, it's the thing is aaj ka concept hai, it's a long thing, but first you acknowledge whatever your feelings are. It's okay to be unforgiving. It's okay to be whatever you are feeling is perfectly valid. So first you try to be good with yourself, and first you give whatever you deserve to yourself, and slowly we will see later at any point of time when we want to forgive, we will be forgiving. But right now, okay, it's okay. Whatever you are feeling is completely valid. So first accept what you are feeling and acknowledge whatever you are feeling. It's okay, madam. Thank you. But at least ये trigger किया है आपको, एक question पूछा है. Thank you very much for asking. And मैं हमेशा वही बोलता हूँ, surrenderance doesn't mean किसी का slave बनना. उसको हम respect देते हैं, accept करते हैं. At the same time, we will respect our own self because we are part and parcel of this universe. हमारे अंदर भगवान का चैतन्य है. हमारे अंदर भगवान. सर क्या होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ आर टोटली डिफरेंट. स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ आर टोटली डिफरेंट एंड इन प्रैक्टिकल लाइफ यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अवर पेरेंट्स एंड वी सफर. या दिस इज योर रियलिटी राइट नाउ. So, आप ये समझिए, ये मेरा रियलिटी है. पहला ये देखिए, ये मेरा रियलिटी है, ये मेरा जीवन है. जो आपका एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस नहीं है. But you will accept, right, madam? Yes, yes. Whatever you are experiencing with your life is your reality. So for now it's okay, whatever you are feeling, it's okay. But slowly there comes a point where you can think, you can see, आप जब क्यों पैदा हुआ इसी माँ बाप को, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट थे. सो जब आप रियलाइज करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको एक एक्सेप्टेंस आ जाता है. बट अभी ठीक है, जो नहीं हो रहा है कोशिश मत कीजिए. जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे जाइए लाइफ में. थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू फॉर शेयरिंग. So I think we have run out of time. So yes, thank you, sir. मेरे को ये opportunity देने के लिए. और बहुत लोग अच्छा meditation किया है and बहुत शांति हो मिला है आप लोगों को देख के. And it was very wonderful experience. Thank you, sir. Thank you, sir. हम लोग class close करेंगे क्या? So Chandrasekhar sir, you want to share anything? Sir, unmute karna. Thank you sir, it was a wonderful session really speaking. For me also new subject. Okay. So these parents ko gulam nahi hona, we have to respect our bone. This is the right concept. I accept it, sir. Thank you very much sir. एक्चुअली आज समर्पण का एक लेवल हम क्रॉस किया है, क्योंकि ये जब नहीं करते हमारा लाइफ में समर्पण नहीं आता है हमेशा. थैंक यू, बट इट वॉज अ वेरी वंडरफुल, वेरी करेजियस. आप सब लोग ये सब किया है. इट्स वेरी करेजियस टू फॉरगिव पेरेंट्स एंड टू एक्सेप्ट देम एज दे आर. इट्स अ वेरी करेजियस थिंग एंड इसका फायदा स्लोली स्लोली आपको आपके लाइफ में आ जाएगा. एंड एक्सपीरियंस हो जाएंगे. Yes, धीरे धीरे. But thank you very much, sir. पत्री सर भी यही कहते हैं ना, हम अपना बच्चे नहीं, अपना थ्रू आते हैं. We have to respect them. Let them grow up their own this thing. और ऐसा ही पेरेंट्स भी, अपन उनको चूज करके आया है, but we should not accept anything of them. Yes. This is the concept, sir.
यस 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 सो व्हाट एवर बिलोंग्स टू पेरेंट्स इज देयर्स यस हम हमको जो मिला है वो ज्यादा ही नहीं वो भी कभी अपन इंटरफेयर उनका उसमें नहीं होना अपना उसमें वो नहीं जाना चाहिए यस दिस वे हाउ टू लर्न यस यस गुड कॉन्सेप्ट है नया अपना सोलापुर लोगों के लिए दिस इज द नया कॉन्सेप्ट है Thank you very much, sir, and thank you very much, Solapur Pyramid Spiritual Trust. And we'll see if we can meet again. Thank you and good night. Right, sir. अच्छा रोहित? हाँ, yes, sir. यो आपका कुछ formalities होगा ना? हाँ हाँ, yes, sir. तो मैं अभी class close कर रहा हूँ, तो मेरे को means हम लोग सब एक minute prayer करेंगे, तो सब लोग अपने आँखें बंद करो. ने दोनों आंखें बंद करो. ये पार्वती माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, भू माता, प्रकृति माता, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा, शिव भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, सारे माताओं को, सारे पिताओं को, सारे जगन माता और विश्व माता, सारे मास्टर्स को भी हम लोग अपने हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करेंगे. और आज हम प्रकृति माता को थैंक्स और धन्यवाद बोलेंगे. आज अपना दिन अच्छा गया, इसलिए जो भी हुआ है वो अच्छा है अपने लिए. हर एक थिंग, हर एक गोष्ट अपने लिए लेसनी है, एक्सेप्ट करना है अपने को जीवन में समझ के, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना है. तो मैं एक चार शब्द बोलता हूँ, आप भी आपके मन में बोलो. मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव. और मैं अपने अमृत वाक्य बोलता हूँ पीजे सेशन के, आप भी अपने मन में बोलो. अहिंसा परमो धर्म, धर्मो रक्षित रक्षितः, सत्यमेव जयते, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, जय हो ध्यान जगत, जय हो साकार जगत, जय हो पिरामिड जगत, जय हो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, जय हो ब्रह्म विद्या वरिष्ठ स्वर्णमाला पत्री जी, जय हो समस्त पिरामिड मास्टर्स. तो थैंक यू. एक बार अब हम लोग श्रावण सर के लिए और अपने ध्यान के लिए और अपने पत्री जी सर के लिए सबके लिए एक बार जोरदार तालियां मारो. थैंक यू श्रावण सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, गुड नाइट.